अच्छा, ये भारत के विपक्ष के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश, शोएब जी जरा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप एक साजिश के तहत भारत के लीडर्स को बदनाम कर रहे हैं। शोएब जी को ऑर्डर मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। उन्होंने जो कहा कि एक अपोजिशन लीडर दूसरे अपोजिशन लीडर से मिला, तारिक रहमान कौन है? तारिक रहमान इज कन्विक्टेड फॉर लाइफ टर्म इंप्रिजनमेंट फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन सप्लाइंग वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव्स टू उल्फा, मीनिंग he is a national threat, he is a dangerous threat to national security of India. abhi iske sath rahul gandhi mila aur aap kehte hain ye opposition leader ke sath dusra opposition leader, no, rahul gandhi, tariq rahman is an exposed and proven enemy of india who poses serious threat to india's national security. aur uske dono ke milakat ko aap keh rahe hain ki ye kuch bhi nahi hai. आपके जो बात है, आपका जो स्टेटमेंट है, इसमें साबित होता है कि मैं जो कह रहा हूं ये सच है। एंड मैं तो जरूर सच कह रहा हूं कि आई हैव नॉट ओनली आई एम नॉट, हम ऐसे ही कह नहीं रहा हूं यार, मेरे पास कोई एविडेंस भी है, मैं एविडेंस लेके ही बात कर रहा हूं। अगर राहुल गांधी आके डिनाई करेगा कि उस तारिक रहमान से उन्होंने मिला नहीं, we will come up with dangerous evidence. I'm telling you, we have strong evidence. स्ट्रॉन्ग एविडेंस की वो बात कर रहे हैं। अब मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि इस सरकार में जो लोग शामिल हुए हैं उनका एक बड़ा क्लियर भारत विरोधी चेहरा है और शेख हसीना विरोधी चेहरा है। एक बार जरा तस्वीर दिखा देते हैं, वो शपथ ग्रहण जो बांग्लादेश में हुआ, और शोएब जी मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी और अशोक जी से भी समझेंगे, लेकिन जो शपथ ग्रहण हुआ है, मोहम्मद यूनुस ने तो देश की बागडोर संभाली है, लेकिन ये आसिफ महमूद और नाहिद इस्लाम जिनको आप देख रहे हैं जो सरकार में महत्वपूर्ण पोजीशन में हैं, यानी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, ये दोनों चेहरे उस स्टूडेंट मूवमेंट और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे जो शेख हसीना के खिलाफ थी, और इसीलिए इस तस्वीर को दिखाने के पीछे मकसद यह है कि जिन्होंने शपथ ग्रहण की है वो है कौन, क्या एक बड़ा क्लियर भारत विरोधी चेहरा है। ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हसीना विरोधी माने जाते रहे हैं मोहम्मद यूनुस। कल महाभारत में मैंने आपको बताया था कि कैसे इन पर अमेरिका मैन होने का क्लियर ठप्पा है, क्योंकि ये नोबेल विजेता भी हैं, अमेरिका के बेहद करीबी और खास रहे, कई अवार्ड्स भी इन्हें अमेरिका की तरफ से मिले हैं, ये कल मैं आपको बता चुकी हूं। लेकिन इनके अलावा जो दो चेहरे आप बिल्कुल कोने में यहां देख रहे हैं जो स्टूडेंट प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, हसीना विरोधी छात्रों ने भी वहां पर शपथ ली है, यानी आसिफ और नाहिद ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने नेतृत्व किया प्रदर्शन का, वो प्रदर्शन जो हिंसक हो गया, जो उपद्रवी हो गया, तो आंदोलन भड़काने में जिनका अहम रोल रहा वो आज सरकार में बैठ गए हैं, जिन्होंने हिंसा फैलाई वो आज बांग्लादेश में मंत्री बन गए, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। जो चेहरे हम चाहेंगे इन दोनों ही स्टूडेंट लीडर्स ने, अब इनको स्टूडेंट लीडर कहूं या उपद्रवी कहूं ये शोएब जी बेहतर बताएंगे, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा कि जो चेहरे हम चाहेंगे वही सरकार में होंगे। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, इनको हम क्या भारत समर्थक माने? मैं एक बार शोएब जी आपसे पूछूंगी, इस वक्त जो लोग सत्ता में बांग्लादेश में हैं क्या वो भारत समर्थक हैं? क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिन्होंने वहां पे एक तरह से उपद्रव को भी बढ़ाया, वहां जो हिंसा हुई उसे भी। शोएब जी, जो लोग हैं आंदोलन वालों, उन्होंने कह दिया कि ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इट वॉज अ कू ऑफ द मास पीपल एंड द स्टूडेंट। और अभी ये लोग जो बैठे हैं ये सब के सब एंटी इंडियन है, और ये जो हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है ये कोई बात नहीं करेगा राहुल गांधी की तरह, राहुल गांधी भी कुछ नहीं बात कर रहे हिंदू की जुल्म के बारे में। और ये दोनों अभी डिक्टेट नहीं, सिर्फ ये कह रहा है कि ये मुल्क देश को ठीक करने के लिए 3 से 6 साल के वक्त जरूरत है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, चलो बांग्लादेश को चेंज करना है। और वो लोग जिस जिस पोजीशन में हिंदू है, आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड, जिस जिस पोजीशन में हिंदू है हर हर पोजीशन को ढूंढ के ये टारगेट करके अटैक कर रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं इस्लामिस्ट को जाओ उसको घेराव करो और इसको रेजिग्नेशन में क्या कहते हैं कंपेयर हिम। आज चीफ जस्टिस इस तालिबान
is Taliban. They all are Taliban. And now I'm telling about Yunus. Yunus is the biggest donor of Clinton Foundation. Not only that, जो लोग पूछेगा कि भाई राहुल गांधी के साथ ये तारिक रहमान की खुफिया मीटिंग का पता तुम्हें कैसे चला, मैं कहता हूँ बांग्लादेश इंटेलिजेंस के पास भी वो डॉक्यूमेंट है नहीं, भारत की इंटेलिजेंस के पास भी है नहीं, हमारे पास है हिनुस ने जो पैसे चोरी की और सब हार के हार इतने डॉक्यूमेंट हमारे पास, प्रभु हम भी देखना चाहते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट है आपके पास। अच्छा, मुझे तो आप पे विश्वास नहीं है, आप सिर्फ रेटरिक करके यहाँ पे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शेख हसीना को स्टूडेंट्स को आप कह रहे हैं साहब वो आतंकवादी थे, दे आर स्टूडेंट, स्टूडेंट जिन्होंने एक अपराइजिंग करी अफगानिस्तान में, मुझे बोलने दीजिए जरा उस दिन की हिंसा के जरा विजुअल चलाइए जब शेख हसीना देश छोड़कर मैं एक मिनट विवेक जी मैं इस बात पर आपसे सहमत नहीं हूँ जब आप कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वहां पर एक प्रदर्शन किया, ये स्टूडेंट्स नहीं थे सर, हिंसा के विजुअल्स चलाइए प्लीज। जब भीड़ सड़कों पर उतरी और कैसे वो स्टॉर्म कर गई पीएम आवास में, वो वहां जाकर लूटपाट मचाती है, सब कुछ आगजनी करती है, क्या ये लोग स्टूडेंट्स थे? पीसफुल प्रोटेस्ट था ये, ये तो मैं मानती ही नहीं। भाई शो वाज अ डिक्टेटर, भाई वो भारत की दोस्त जरूर थी लेकिन वो उन्होंने अपने देश का खत्म करने के लिए अपना देश खत्म कर दो, पॉपुलर नहीं थी। आप ये वाला फॉर्मूला बता रहे हैं कि डिक्टेटर को खत्म करने के लिए खुद का देश खत्म कर दो, आप मुझे बताइए, ये देश बर्बाद कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप जस्टिफाई करेंगी? सुनिए, देश बर्बाद कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे ये देश को 10 साल के लिए जेल में डाल रहे थे, इलेक्शन अपन अनअपोज्ड हो, ये देश के डिक्टेटर को नहीं भगा रहे थे, यू जस्टिफाई? मैं एक 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 शेख हसीना वाज एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर, टोटल डिक्टेटर, यही कह रहे हैं ना आप, सुन लीजिए, शेख हसीना वही वाली भाषा है, ये वही वाली भाषा है जो आप भारत में भी इस्तेमाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री, और वहां पे तभी ये बार-बार सवाल उठते हैं कि आप, तभी ये सवाल उठते हैं आप यहाँ बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, उन पर पहले बहस कर चुकी हूँ मैं महाभारत में, लेकिन आज लेकिन एक 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 चीज लेकिन आप उस देश की पॉपुलर अपराइजिंग को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ये गलत है, वो पीपल्स अपराइजिंग वहां पे हुई है एक अनपॉपुलर लीडर के खिलाफ। एक सेकंड मैं एक बार अशोक जी से एक सिनेरियो समझना चाह रही हूँ। अशोक जी, जितना आप डिप्लोमेटिक अफेयर्स को समझते हैं, जरा हमारे दर्शकों को ये बात बताइए और मैं चाह रही हूँ आप उन्हें समझाएं कि जब किसी देश में इस तरह की कोई भी विद्रोह उठता है और उसके बाद उस विद्रोह का वो विद्रोह हिंसा की शक्ल ले लेता है जो कि बांग्लादेश में हुआ, अब उसी हिंसा का शक्ल लेने के बाद जो लोग कुछ लोग चुन कर आए हैं वो सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अब उनकी सोच क्या होगी? वो यहाँ पर शेख हसीना वापस आएंगी ये तो कभी नहीं चाहेंगे और उनको रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। अशोक जी, जी सुचारिता जी आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मुझे देखिए इसकी शुरुआत को जरा अगर हम समझने का प्रयास किए करें, देखिए इसकी शुरुआत हुई थी जैसे कुछ लोग कह रहे हैं एज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी, एज अ पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट, जो डिस्क्रिमिनेशन वहां पर थे कोटा में उसको हटाने के लिए की गई थी। परंतु देखिए एक बारी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया जो ये कोटा डिस्क्रिमिनेशन है इसको हम खत्म कर रहे हैं, 50% से ऊपर जो कोटा है इसको हम 7% कर रहे हैं, तो तब ये वाली जो स्टूडेंट्स मूवमेंट थी, पीसफुल मूवमेंट थी, इसको आगे कंटिन्यू करने का कोई वो अधिकार नहीं था, कोई उसका रैशनल नहीं था, कोई कारण नहीं था। मैं कहना चाहूंगा जो उस समय ये जो पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट थी तब उसको हाईजैक कर लिया गया, तब उसको हाईजैक कर लिया वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने, तब उसको हाईजैक कर लिया जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स थे और उन्होंने वही पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जामा के पीछे उन्होंने अपना जो है वो अनलीश कर दिया है। देखिए जो आप देख रहे थे सुचारिता जी, जो आपने कहा जो यहाँ पर ये हो रहा था, जो आग जला रहे हैं पीएम के हाउस में जाकर वो कर रहे हैं, दे वर नॉट स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। आप yes. उनको देखिए भी yes. तो आपको पता चल जाएगा जो वो स्टूडेंट्स नहीं थे, दोज वर हुलिगन्स, दोज वर रफियंस, दोज वर स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स, जहां से उनको लाया गया था और उनको इसके ऊपर अनलीश कर दिया गया था। दूसरी बात देखिए आपने जो पूछी है वो है शेख हसीना राइटली और रॉन्गली, मीनिंग शी वाज सीन इन बांग्लादेश ऑल्सो,
as a leader which was favorably disposed towards India. जी. मैं आपको अपने तजुर्बे से बताता हूँ, जो BNP की वहाँ जो सरकार है, जमात की जो सरकार है, जब भी आए हैं, they have always been anti-India. हाँ. So those who have been trying to remove Sheikh Hasina, हाँ. और BNP को वहाँ पर वो लाना चाहते हैं, वो बिल्कुल एटलीस्ट टू बिगिन विद बहुत समय के लिए दे विल नेवर बी इन फेवर ऑफ इंडिया. वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करेंगे, भारत का वहां से इन्वॉल्वमेंट को बहुत कम और इसीलिए शेख हसीना, इसीलिए सर शेख हसीना के जो बेटे हैं, जी शेख हसीना के जो बेटे हैं, मैं इसको नहीं मानता, वो इस बात को कह रहे हैं कि भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक ग्लोबल लीडर का स्टैंड इस समय लेना और ये देखना कि कौन सी ताकतें इस रीजन में हावी हो रही है, क्योंकि ये बहुत खराब हो सकता है इस रीजन के लिए. क्योंकि एक तरफ जो बात अशोक जी ने कही कि खालिदा जिया की पार्टी वो हमेशा से भारत विरोधी एक तरह से रही है, उनका स्टांस प्रो पाकिस्तान रहा है, और वहां पर अब जो ये स्टूडेंट मूवमेंट हुआ और उसके बाद जिसे विवेक जी कह रहे हैं कि बहुत पीसफुल था और वो एक डिक्टेटर को हटाने के लिए था, चल भले ही उसमें अपने देश को आप खराब कर दो, जला दो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन डिक्टेटर हटना चाहिए. वो डिक्टेटर तो हट गया, देश का क्या होगा हमें नहीं पता है.